और ये है मेरा न्यू लैपटॉप MI नोटबुक अल्ट्रा i5 11 जनरेशन 16 GB रैम और 512 SSD के साथ। चलो अब इसकी अनबॉक्सिंग स्टार्ट करते हैं। तो रहा नहीं जा रहा भाई लोग, चलो इसकी अनबॉक्सिंग स्टार्ट करते हैं। ओ भाई कितना खतरनाक लग रहा भाई यार, ना हल्का है ये। निकालो यार, जल्दी निकालो बाहर। भाई मैं तो बहुत दिनों से इंतजार कर रहा था इस लैपटॉप का। ओ भाई इतना हल्का है ये, इतना पतला और हल्का है ये, खतरनाक। इसके साथ हमें एक चार्जर भी मिला है, जो मतलब मिलता ही है सबके साथ ही, ये चार्जर है, पोर्टेबल सी टाइप चार्जर है। देखिए इसको बक्से से निकाले, इसके 65 वॉट का है, मतलब फास्ट चार्जिंग तो नहीं है लेकिन बढ़िया है। इस रेंज में तो मेरे को सही लगा ये लैपटॉप, सी टाइप चार्जर है इसका। ये ऐसा लगता है कि फोन के लैपटॉप, फोन वाले चार्जर से मैं चार्ज कर लूँ लैपटॉप पर, ऐसा नहीं है कुछ। सही है यार, इसके एक ऑडियो जैक मिलता है और एक ये USB पोर्ट, और दूसरी तरफ इसके आपको एक चार्जी टाइप चार्जिंग पोर्ट मिलेगा और एक HDMI पोर्ट और USB पोर्ट। बढ़िया है वो, कितना साइड से देखो ये कितना पतला भी है, ऊपर से भी काफ़ी पतला लैपटॉप है ये, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। तो इसकी स्पीकर की बात करें तो इसका स्पीकर है दो साइड है, एक स्पीकर ये और दूसरी तरफ भी है, वो मैं दिखाना भूल गया। और एक इसका टच पैड भी ठीक ही है, मतलब प्लास्टिक का ही है, अच्छा था। चलो इसको अब ऑन करते हैं। देखो कितनी जल्दी ऑन हो गया ये, तो सॉरी मैं उंगली से करना चाहता था लेकिन अब पिन मांग रहा है। इसको पहले टर्न ऑफ करते हैं, फिर मैं आपको इसका फिंगरप्रिंट सेंसर दिखाऊंगा। देखो एकदम मस्त है, इसका फिंगरप्रिंट सेंसर भी बहुत तगड़ा काम करता है। चलो अब इसकी थोड़ी वीडियो क्वालिटी चेक कर ली जाए, 3.2K डिस्प्ले है इसकी, चेक करते हैं। YouTube बाबा देखें, चलो टू के वीडियो चलाते पहले। ये देखो ये यार यूट्यूब वाले हमेशा ऐड देते हैं, पहले देखो। अब पहले मैं इसकी ब्राइटनेस बढ़ाता हूँ, देखो एकदम देखो, इसकी पहले फुल स्क्रीन करी जाए, तो मैं फुल स्क्रीन करता हूँ। क्वालिटी तो पूरी है, HD है। ओ भाई 2.2K डिस्प्ले के साथ ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं ही हूँ इसके अंदर, देख रहे हो HD इसको। अब तो मेरे को वैसे मैंने अच्छे लगते पर ये भी अच्छे लगने लगा अब तो। भाई साहब ऐसा लग रहा है जैसे मैं ही हूँ वहाँ पे। सही है यार, भाई साहब इतनी नज़दीक से तो कभी मैं सांप को देख भी नहीं सकता, ये तो फट जाएगी। देखिए तो ठीक लग रहा लगता है मेरा वाईफाई। चलो इसकी एक बार स्पीड चेक कर लेते हैं, स्पीड चेक करते हैं। वैसे मेरे पुराने वाले लैपटॉप में तो स्पीड बहुत गंदी आती थी, i3 था वो, पुराना था इसलिए कम आती होगी। चलो देखें इसकी स्पीड, या इसकी स्पीड तो अच्छी आती है, 18 Mbps की नॉर्मल। जो पिंग है इसकी, सर्फिंग वगैरह लैपटॉप की,
चलो इसकी सॉरी, वो इसका स्पीकर चेक कर रहे, स्पीकर स्पीकर ठीक है इसका। बताओ भाई लोग, कैसा लगा आपको मेरा लैपटॉप? होप आपको अच्छा लगा होगा। पहले ये मेरा पहला व्लॉग था, इसमें थोड़ी अगर आपको मेरी बातें सुनने में अगर परेशानी हो तो माफ़ी चाहता हूँ। ये मेरे को तो अच्छा लगा, ये मेरे को 65,000 का पड़ा, i5 11 जनरेशन, 16 GB रैम, 512 SSD के साथ, काफ़ी अच्छा है। अगर आपको होप यू गाइज आपको अच्छी लगी होगी मेरी वीडियो, अगर अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बस भाई को सपोर्ट करें। थैंक यू।